आज के इस ऐतिहासिक समारोह में मेरे साथ उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान बल्ला जी, आर सूचना ब्यूरो के चीफ श्री डेका जी, उल्फा के सारे प्रतिनिधिगण, नॉर्थ ईस्ट और असम के अलग अलग जाति संगठनों के और स्टूडेंट फेडरेशन के प्रतिनिधिगण और प्रेस के मित्र, आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज असम के भविष्य के लिए एक सुनहरा दिन है। लंबे समय से असम ने हिंसा को झेला है, पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को झेला है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए। मन खोलकर खुले हृदय से सभी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई और उनके मार्गदर्शन में ही उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा। पिछले 5 वर्षों में 9 शांति और सीमा संबंधित समझौते अलग अलग राज्यों के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई है। रिकॉर्ड पर 9000 से ज्यादा काडर ने सरेंडर किया है और असम की मैं बात करूं तो 85% असम में से अब सपा को हटाया जा रहा है और आज भारत सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा, उसके बीच में जो ट्राइब पार्टी समझौता हुआ है, इससे असम के सभी हथियारी ग्रुपों की बात को यहीं पर समाप्त करने में हमें सफलता मिल रही है। ये असम और नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस एमओयू के माध्यम से उल्फा के प्रतिनिधियों ने सभी हथियार और गोला बारूद को आत्मसमर्पण करने के लिए, सशस्त्र संगठन को भंग करने के लिए, कैडरों के कब्जे वाले सभी शिविर को अति शीघ्र खाली करने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, देश की एकता और अखंडता में सहभागी होने के लिए सबने सहमति दी है। ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। सिर्फ उल्फा के संघर्ष की बात करें तो करीब करीब 10,000 लोग उल्फा के इतने लंबे समय के संघर्ष में मारे गए और 1979 से लेकर अब तक आइधर और साइड से जो भी मारे गए होंगे वो सभी इस देश के ही नागरिक थे। आज ये समस्या का संपूर्ण समाधान हो रहा है, इसका मुझे आनंद है। उल्फा के प्रतिनिधियों से बात कर भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी अमाउंट का पैकेज और इसके साथ साथ ढेर सारे असम के विकास के प्रोजेक्ट को भी हमने स्वीकृति दी है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समझौते की एक एक बात का फुल स्टॉप कॉमा में टाइम बाउंड मैनर में अमल किया जाएगा और आपके विश्वास पर नरेंद्र मोदी सरकार खरी उतरेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, असम की ही बात करें तो मोदी जी की सरकार बनने के बाद घटनाओं में 87% की कमी हुई, मृत्यु में 90% की कमी हुई है और अपहरण में 84% की कमी हुई है और अकेले असम में अब तक 7500 कैडर ने
सरेंडर किया है और इसमें आज 700 की संख्या बढ़ जाएगी तो अकेले आसाम में 8200 कैडर का सरेंडर होना आसाम के लिए शांति के नए युग का सूत्रपात है। समझौते जो हुए, समझौते से समाधान तक की पूरी यात्रा को मैं जरूर बताना चाहूंगा। 2019 में एनएलएफटी के साथ त्रिपुरा में समझौता हुआ, 2020 में ब्रू समझौता हुआ, 2020 में बोडो समझौता हुआ, 2021 में कार्बी समझौता हुआ, 2022 में आदिवासी समझौता हुआ, 2022 में आसाम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ और अभी अभी 2023 में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का समझौता हुआ और आज उल्फा के साथ समझौता हो रहा है। मैं मानता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट और विशेष करकर आसाम के लिए एक शांति के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। मैं आज उल्फा के सभी प्रतिनिधि को हृदय से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जो भरोसा भारत सरकार पर रखा है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से आपकी मांग किए बगैर ही इस सारी चीजों को पूरी करने के लिए एक टाइम बाउंड मैनर में प्रोग्राम भी बनाया जाएगा और हम गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक कमिटी भी बनाएंगे जो आसाम सरकार के साथ रहकर ये पूरे समझौते को पूरा करने का प्रयास करें, समयबद्ध तरीके से पूरा। हमने बोडो के साथ किया या ब्रू के साथ किया या त्रिपुरा में किया, सभी समझौतों को 19 के बाद जितने समझौते हुए हैं हम समय से आगे हैं, कहीं पर समय से पीछे नहीं है। समय से पहले ही हमने समझौते की शर्तों को पूरा करने का प्रयास किया है। आज एक ऐतिहासिक घटना जो आकार ले रही है उसके लिए सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इनके ब्रॉडर विजन उग्रवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के बगैर ये संभव नहीं था। आसाम के मुख्यमंत्री, आसाम के अधिकारी, हमारे गृह सचिव, डीआईबी और उनके तहत काम करने वाली पूरी नेगोशिएशन करने वाली ऑफिसरों की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और इस समझौते में सबसे बड़ा यश अगर किसी को जाता है तो उल्फा के प्रतिनिधियों को जाता है जिन्होंने बहुत बड़े मन के साथ ये समझौता किया है और विश्वास रखकर शांति की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया है। मैं फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि समझौते की सारी बातें समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फोटो खिंचाने के लिए आ सकते हैं।